अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज केमिस्ट्री का पेपर था आपका, और आज इसके एमसीक्यूज को हम देखेंगे कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए हैं, ताकि पता चल सके कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो चलो आज वक्त को ज़ाया किए बगैर देखते हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के जो आज का पेपर था कराची बोर्ड का उसको। तो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज है, नाइट्रियम इज़ अ लैटिन नेम ऑफ दिस एलिमेंट। कौन सा नाम है नाइट्रियम, जिसको लैटिन वर्ड में कहा जाता है? तो स्टूडेंट, हमारे वो क्या सोडियम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। देखा भाई, इन केमिकल रिएक्शन ZnO प्लस H2 रिएक्ट कर रहा है, तो Zn प्लस H2O हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके अंदर क्या चीज रिड्यूस हो रहा है? तो स्टूडेंट, Zn क्या हो रहा है हमारे पास? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या CO3 इस एन क्या है हमारे पास? केशन है, एन अनाइन है, मॉलिक्यूल है या मॉलिक्यूलर आइन है? तो स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर आइन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर ऑफ सब शैल इन एम शैल इस, इसमें से कितने होते हैं स्टूडेंट? एम शैल के अंदर 3 होते हैं। ठीक है, उसके लिए बोरॉन इज अ मेटोलाइट, हमारे पास जिसका आंसर होगा वो क्या होगा? पाँचवा का फर्स्ट है मेटोलाइट। ठीक है, अटोमिक रेडियस इज द मेजर इन किस में अटोमिक रेडियस को मेजर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके लिए लिखा हुआ है शेडलिंग इफेक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। शेडलिंग इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट? रिमेन सेम होता है। ठीक है, इसमें कोई किस्म के चेंजेस नहीं आती है। इट इज़ अ नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, इसमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है? तो स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है एट रूम टेम्परेचर दिस मेटल एग्जिट इन अ लिक्विड स्टेट, तो कौन से ऐसा टेम्परेचर और लिक्विड स्टेज में होता है? रूम टेम्परेचर में। तो स्टूडेंट, मरकरी इज अ लिक्विड स्टेज। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है द टर्म वुड बी सेम फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड 1 मोल ऑफ वाटर, तो हमारे पास क्या होगा? मॉलिक्यूल्स ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है स्टूडेंट? वो 2A ग्रुप से बिलोंग करता है। हमारे पास नेक्स्ट है दिस गैस इज टर्न लाइम, इनमें से कौन सा ऐसा गैस है जो कि हमारे पास क्या होता है? लाइम वाटर की तरह होता है। तो O2 होता है, NO2 होता है, CO2 होता है या N2 होता है? ठीक है, तो ये आपने बताया मुझे इसमें क्या होगा। तो हमारे पास जिसका ऑप्शन होगा वो ये होगा, तो इसका आंसर हमारे पास CO2 होगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिफाइन द, जो स्टूडेंट इस साल आएंगे पेपर देने के लिए उनके लिए ये क्या होगा? बेनिफिट होगा। तो लिखा भाई डिफाइन द फ्लोइंग टर्म, आपने इसको डिफाइन करना था। मैंने भी काफ़ी सारे सवाल स्टूडेंट इसके बताए थे जो आपके बोर्ड के पेपर्स में आए थे। आपने मुझे बताना है कि कितने सवाल जो मैंने आपको टारगेट पेपर बताए थे उसमें से कितने सवाल आपके बोर्ड के पेपर्स में स्टूडेंट आए हैं, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे पता चल सके कि इस दफ़ा का टारगेट पेपर कैसा आया अकॉर्डिंग टू माई टारगेट पेपर के। ठीक है, क्योंकि मैंने आज देखा नहीं है कि कितने सवाल जो मैंने प्रोवाइड किए थे वो कौन कौन सा है, तो आप इसे देखने के बाद मुझे ज़रूर बताना। सुनने में आया कि आपका केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी हार्ड आया है, तो आप कमेंट करके ये भी बताना कि वाकई में आपका पेपर वाकई में हार्ड आया है या फिर आपका पेपर आसान था। ठीक है, तो तमाम चीज़ें, तमाम डिटेल मुझे आपने बताना है और सही से बताना है। ठीक है, फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, वाओ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।